हाय फ्रेंड, देखिए अभी 2 दिसंबर 2023 का यह पेपर है, तो इसमें निकला हुआ है कि रेलवे में अभी 3 लाख पद खाली हैं, ठीक। और उत्तर रेलवे में सबसे अधिक पद खाली हैं। अब देखिए, मैं आपको सेवानिवृत्त हुए कितने, किस किस साल में कितने कितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो देखिए 2019 में 62,940 सेवानिवृत्त हुए, 2020 में 62,282, 2021 में 56,797, 2022 में 41,431 और 2023 में 36,561 लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए पैनलबद्ध भर्ती के बारे में दिया है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। हालांकि ये बोल रहा है कि रेलवे की नौकरी के लिए यूपी के बाद सबसे अधिक अगर आवेदन बिहार से होता है। और ये देखिए यहाँ पर दिया भी है कि देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरी रेलवे के माध्यम से आती है। देश के करोड़ों युवा रेलवे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासकर बिहार के युवा रेलवे की नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आवेदन बिहार से आते हैं। इस बार NTPC व ग्रुप डी की परीक्षा में सबसे अधिक आवेदन बिहार के छात्रों का था। यही के छात्रों ने रेलवे परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 में जो परीक्षा डबल कराने का रेल मंत्री ने बोले थे, तो बीच में बहुत लोग, सभी बच्चों ने, इधर यूपी बिहार के बच्चों ने क्या है कि ट्रैक को जाम कर दिया था। हालांकि कुछ उसमें गलत लोग भी थे जिन्होंने ट्रेनों को फूंक भी दिया था, मतलब कि आग लगा दी थी उसमें, तो गलत किए। लेकिन हालांकि जो परीक्षा में जो गड़बड़ी किए थे कि 2 एग्ज़ाम होगा, उसके लिए विरोध भी यहाँ के बिहार और यूपी के बच्चों ने किया था ज़्यादा। तो अभी देखिए न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि रेलवे में अभी के हिसाब से 3 लाख पद खाली हैं। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। तो अभी प्रोटेस्ट तो 30 नवंबर को हुआ है, अगर आप भी किए ही होंगे कि मोदी जी रेलवे में नए वैकेंसी दो, तो इसके पहले इस बार तो कोई जवाब नहीं मिला रेलवे की तरफ से, लेकिन इससे पहले जो हुआ था उसमें शायद कुछ जवाब दिए थे वो लोग। तो दोस्तों, हमें बार बार ट्वीट करना पड़ेगा तभी रेलवे कोई जवाब देगा। वैसे चुनाव है तो भर्ती तो आएगी, लेकिन अगर जो हम लोग थोड़ा दबाव करेंगे तो जल्दी आ सकता है।